बिसमिल्ल रिम असल वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आज हम लोग अपनी बुक इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट वन शेर मोहम्मद चौधरी की बुक से चैप्टर नंबर सिक्स प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बने आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहें तो चलें आज की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं आज हम लोग स्टार्ट लेंगे एक्सरसाइज के सब्जेक्टिव पार्ट से इससे पहले वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज को ऑब्जेक्टिव पार्ट डिस्कस किया था आज हम लोग सब्जेक्टिव पार्ट डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में हम जो सब्जेक्टिव पार्ट डिस्कस करेंगे वह बहुत इजी स्टेप्स हैं इसमें सिर्फ यूनियन इंटरसेक्शन वन डायग्राम और कॉम्प्लीमेंट सेट लेना है तो ये मैं आपको सॉल्व किए हुए ही आपको समझा दूंगी सबसे पहले जैसा कि हम लोगों के पास सब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर सिक्स पॉइंट वन है इसकी हमारे पास स्टेटमेंट है लिस्ट ऑल दी प्रॉपर सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट आपके पास ये सैम्पल स्पेस के एस सेट हैं जिसमें है चेयर स्टूडेंट और पेन आपने इन सबका यूनिवर्सल सेट बनाना है यूनिवर्सल सेट मतलब कि आपने इनको सेपरेट सेपरेट करके फिर लिखना है तो चले अब हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं और फिर मैं आपको बताती दूँ कि हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे सोल्यूशन में क्वेश्चन नंबर सिक्स पॉइंट वन के सोल्यूशन में सबसे पहले हम लोगों ने ये सैम्पल स्पेसिस लिख है जिसमें चेयर स्टूडेंट और पेन अब आपने इनका प्रॉपर सबसेट बनाना है तो आप सबसे पहले इनको आपस आप में मल्टीप्लाई करवाएंगे आप लोग फाई और सेपरेट वाले भी पहले लिख सकते हैं और बाद वाले भी पहले लिख सकते हैं सबसे पहले जैसा कि आप यहाँ पर लिखेंगे चेयर स्टूडेंट आप चेयर पेन स्टूडेंट पेन भी लिख सकते हैं या फिर आप फाए से भी स्टार्ट ले सकते हैं कि सबसे पहले आप लोग लिखें फाए फिर आप लोग लिखें सेपरेट से चेयर स्टूडेंट और पेन जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा चेयर स्टूडेंट और पेन उसके बाद आप चेयर को स्टूडेंट से मल्टीप्लाई करवा के लिखवाएं यानी कि चेयर कोमा स्टूडेंट फिर आ जाएगा चेयर कोमा पेन ये हम लोगों के पास दूसरा सबसेट है फिर आ जाएगा स्टूडेंट कोमा पेन ये हम लोगों के पास सारे सबसेट्स बन गए हैं और ये हम लोगों के पास यूनिवर्सल सेट क्वेश्चन नंबर सिक्स पॉइंट वन के सोल्यूशन का अब नेक्स्ट हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर सिक्स पॉइंट टू है जिसकी हमारे पास स्टेटमेंट है कंस्ट्रक्ट अ वेन डायग्राम टू एलिस्ट्रेट द फॉलोइंग सबसेट्स ऑफ एस इज़ इक्वस टू बॉल पेन टेबल कॉइन डाई कार्ड बुक ए इज़ इक्व टू बॉल पेन बुक बी इज़ इक्व टू पेन टेबल कॉइन एंड सी इज़ इक्व टू कार्ड आपने इन सब सैम्पल स्पेसिस के अकॉर्डिंग वेन डाइग्राम बनानी है तो चलिए अब हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ कि इनकी वेन डाइग्राम कैसे होगी तो ये है हम लोगों के पास वन डायग्राम क्वेश्चन नंबर सिक्स पॉइंट टू की सबसे पहले वन डायग्राम के लिए आपने इस तरह से रेक्टेंगल बॉक्स कंस्ट्रक्ट कर लेना है और उस रेक्टेंगल बॉक्स के बारे लिख देना है एस एस का मतलब है सैम्पल स्पेस यानी कि इसके अंदर सारी चीज़ें आ जाएंगी अब हम लोगों के पास जो ए है उसके अंदर हम लोगों के पास सैम्पल स्पेसिस यानी कि एलिमेंट्स कौन कौन से हैं वहाँ पर उन्होंने हमें मैंशन किया हुआ है बॉल बुक एंड पेन और बी के अंदर है टेबल कॉइन और पेन पेन जो है वो ए और बी दोनों में कॉमन है तो हमने इसको इंटरसेक्ट किया और जो इंटरसेक्ट वाला पार्ट है हमने वहाँ पर लिख दिया पेन और जो दोनों बाकी की चीज़ें रह गई वो दोनों की डिफरेंट डिफरेंट हैं तो वो हमने ऐसे ही रहने दी और सी है जैसा कि उसमें है कार्ड तो सी किसी में भी कॉमन नहीं है इसलिए सी को हमने सेपरेट ड्रॉ कर लिया और इसके अंदर लिख दिया कार्ड अब जो हमारे पास एस का सैम्पल स्पेस है उसमें हम लोगों के पास क्या क्या नाम थे बॉल बुक पेन टेबल कॉइन डाय एंड कार्ड तो ये एस का जो सैम्पल स्पेस है ये बॉल बुक पेन कोइन टेबल कार्ड तो आ गया पीछे रह गया डाई तो डाई को हमने सब सैम्पल स्पेसिस के बाहर लिख दिया कि एस का मतलब है कि इसमें सारी चीज़ें भी आ गई और डाई जो रह गई तो उसको हमने बाहर लिख दिया तो ये हम लोगों के पास सिक्स पॉइंट टू का सोल्यूशन नेक्स्ट हम लोगों का नेक्स्ट हम लोगों के पास है क्वेश्चन नंबर सिक्स पॉइंट थ्री का पार्ट ए का सोल्यूशन इसमें आप लोगों के पास तीन सैम्पल सेट्स हैं जिसमें है ए बी और सी फर्स्ट पार्ट में आपने क्या करना है आपने जस्ट ए और बी के दोनों के आंसर्स को मल्टीप्लाई करवाना है जैसे कि ए e का सेट है वन कोमा टू आपने वन कोमा टू को ही वन कोमा टू के साथ मल्टीप्लाई करवाना है और आपके पास सबसेट्स आ जाएंगे जैसा कि ये आ जाएगा वन को आप वन से मल्टीप्लाई करवाएंगे आ जाइएगा वन वन फिर आ जाएगा वन को टू के साथ फिर टू को वन के साथ और टू को टू के साथ तो ये आपके पास ए क्रॉस ए को मल्टीप्लाई करवा के आंसर आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री के पार्ट ए के सेकंड पार्ट में आपने ए और बी को मल्टीप्लाई करवाना है तो आपने वन कोमा टू को मल्टीप्लाई करवाना है टू कोमा थ्री के साथ तो वन टू वन थ्री टू टू और टू थ्री इस तरह से आपके पास ये पूरे सबसेट्स आ गए सिंपल सिंपल से इन सबके स्टेप्स हैं सिर्फ हम लोगों ने जस्ट इनको मल्टीप्लाई इंटरसेक्शन और यूनियन करना है थर्ड पार्ट में हमने बी और ए को मल्टीप्लाई करवाना है तो ये है बी का एलिमेंट और ये है ए का तो बी को ए से मल्टीप्लाई करवाया तो आया 2, 1, 2, 2, 3, 3, ये आया टू कोमा वन टू कोमा टू थ्री कोमा वन और थ्री कोमा टू ये बी क्रॉस ए का आ गया अब हम लोगों को चाहिए ए क्रॉस बी मल्टीप्लाई बी क्रॉस सी सबसे पहले ए क्रॉस बी है तो हम लोगों ने एलिमेंट्स पीछे पार्ट सेकंड में सॉल्व कर लिए हैं वो है हम लोगों के पास ये अब बी क्रॉस सी को जब हम लोगों ने सॉल्व किया तो हम लोगों के पास आया टू क्रॉस थ्री और थ्री क्रॉस थ्री क्योंकि हम लोगों के पास बी के एलिमेंट्स थे वन कोमा टू टू कोमा थ्री और सी का एलिमेंट था खाली सी तो ये हो गया हम लोगों के पास टू कोमा सी और थ्री कोमा थ्री अब हम लोगों ने जब इन दोनों का यूनियन लिख लेना है तो यूनियन में हम लोगों के पास आ जाएगा लाइन वाइज सारों से जैसा कि ये वन कोमा टू सबसे पहले आएगा वन कोमा थ्री उसके बाद फिर आएगा टू कोमा टू फिर टू कोमा थ्री दोनों में कॉमन है तो हम लोग एक टाइम लिखेंगे टू कोमा थ्री और उसके बाद थ्री कोमा थ्री तो ये हम लोगों के पास आ गया ए मल्टीप्लाई बी यूनियन बी मल्टीप्लाई सी का आंसर नेक्स्ट अब हम लोगों ने सॉल्व करना है ए मल्टीप्लाई बी इंटरसेक्शन बी मल्टीप्लाई सी ये है हम लोगों के पास ए मल्टीप्लाई बी का आंसर और ये है बी मल्टीप्लाई सी का आंसर यहाँ पर सिर्फ हमने यूनियन किया है यहाँ पर हम लोग इंटरसेक्शन कर लेंगे यूनियन में हम लोग सारी चीज़ें लाइन वाइज सीक्वेंस करके लिख देते हैं और इंटरसेक्शन में हम लोग क्या करते हैं कि जो एलिमेंट्स दोनों में कॉमन आ रहा होगा हम लोग सिर्फ उसको लिख देते हैं जैसा कि वन कोमा टू इसमें नहीं है वन कोमा थ्री इसमें भी नहीं है ये नहीं आएगा टू कोमा टू इसमें नहीं है टू कोमा थ्री दोनों में कॉमन है इसलिए हम उसको लिख देंगे नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर सिक्स पॉइंट थ्री का पार्ट बी में आपने क्या करना है कि आपके पास थ्री एलिमेंट्स हैं ए बी और सी ए के आप लोगों के पास सेट हैं टू कोमा थ्री बी का है वन थ्री फाइव और सी का है फोर और सिक्स आपने इन सब के अकॉर्डिंग ट्री डायग्राम बनानी है टू के हम लोगों के पास कितनी वैल्यूज़ हैं टू बी की है थ्री और सी की है टू तो थ्री टू हज़ार सिक्स और सिक्स टू हज़ार ट्वेल्व यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि ए की है टू वैल्यूज़ बी की हैं थ्री और सी की हैं टू तो थ्री टू हज़ार सिक्स और सिक्स टू हज़ार ट्वेल्व तो इसका मतलब है कि हम लोगों के पास टोटल ट्वेल्व सैम्पल स्पेसिस आनी चाहिए अगर आपके पास ट्वेल्व या ट्वेल्व से कम हो या ट्वेल्व से ज्यादा हो तो आप लोग चेक कर लेगा होनी आपके पास ट्वेल्व ही चाहिए जो आपके पास आंसर आ रहा हो उतनी ही हो उससे कम या ज्यादा ना हो अगर हो तो आप चेक कर लेगा कि आपकी क्या मिस्टेक है ए का सबसे पहले आप लिखेंगे सेट जो कि है टू और थ्री फिर हर एक एक वैल्यू के साथ आप लोग वन थ्री फाइव लिख देंगे जैसे टू के साथ थ्री टाइम्स लिख दिया वन थ्री फाइव थ्री के साथ भी थ्री टाइम्स लिख दिया वन थ्री फाइव अब आपने हर एक एक एलिमेंट के बी के साथ फोर सिक्स फोर सिक्स फोर सिक्स फोर सिक्स फोर सिक्स करना है और फिर इन सब को आपस में यहाँ सैम्पल स्पेस के अकॉर्डिंग लिख देना है जैसा कि आएगा वन टू वन फोर टू वन सिक्स टू थ्री फोर टू थ्री सिक्स ऐसे इस तरह से आप लोगों ने सारे लिखने हैं और ये आप इसको काउंट करेंगे ये हैं टोटल हम लोगों के पास ट्वेल्व ही फोर एट और फोर इज इक्वल्स टू ट्वेल्व सैम्पल्स बेसिस तो इसका मतलब है कि ये हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर सिक्स पॉइंट थ्री का पार्ट बी भी कम्प्लीट हो गया नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स पॉइंट फोर का पार्ट बी इसके पार्ट ए में इस वो है डेफिनेशन है उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी वो मैं आपको करवा चुकी हूँ अब हम लोग करेंगे इसका पार्ट बी सॉल्व जिसमें सबसे पहले है आपके पास एस का सेट बी ए का सेट बी का सेट और सी का सेट सबसे पहले आप लोगों ने फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी ए कॉम्प्लीमेंट जब तक हम लोग नहीं निकालेंगे तब तक हम उसको बी के साथ इंटरसेक्ट नहीं कर सकते सबसे पहले हम लोग निकालेंगे ए कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास होता क्या है ए कॉम्प्लीमेंट कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स। ए कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास वो मेंबर्स आ जाते हैं इन एस के जो मेंबर्स एस में हैं विच आर नॉट इन ए वो ए में हम लोगों के पास ना हो जैसा कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ये हम लोगों के पास आ गया एस का सेट वन से लेकर टेन तक ये मैंने लिख दिया एस का सेट माइनस करेंगे कॉम्प्लीमेंट में हम लोग माइनस करते हैं और ये हम लोग लिख देंगे ए का सेट जो कि है टू थ्री फोर अब हम लोग ए के कॉम्प्लीमेंट जो इस ए के अंदर जो भी वैल्यूज़ हैं हम लोग उसको नहीं लिखेंगे उसको एस के कॉम्प्लीमेंट्स में एस की वैल्यूज़ में से भी सब्ट करके बाकी जितनी वैल्यूज़ बचेंगी हम लोग उसको लिख देंगे जैसा कि ये है टू थ्री फोर टू थ्री फोर यहाँ पर भी है टू थ्री फोर यहाँ पर भी है अब टू थ्री फोर दोनों जगह से सबट्रेक्ट करके बाकी जितनी वैल्यूज़ बचेंगी हम लोग वो लिख देंगे जैसा कि आएगा वन टू थ्री फोर को छोड़ के फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ये सारी लिख दी तो ये बन गया हम लोगों के पास ए कॉम्प्लीमेंट अब ए कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर है आप लोग उसको बी के आंसर के साथ यानी कि बी का जो है हम लोगों के पास सेट थ्री फोर फाइव आप उसका इंटरसेक्ट कर देंगे इंटरसेक्ट का मतलब है कि जो वैल्यूज़ दोनों में कॉमन हो तो फाइव दोनों में कॉमन है तो हमने वो लिख दिया अब सेकेंड पार्ट में हमने करना है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी ए कॉम्प्लीमेंट का हमारे पास जो आंसर है वो है ये आपने सिर्फ क्या करना है कि उसको यहाँ पर हमने इंटरसेक्ट किया यहाँ पर आपने यूनियन करना है यूनियन का मतलब है कि आपने उसको सीक्वेंस वाइज सारी वैल्यूज को लिख देना है तो हम सबसे पहले लिखेंगे वन वन के बाद हम लोगों के पास थ्री फोर फाइव दोनों में कॉमन है एक टाइम लिखेंगे फिर आ जाएगा सिक्स सेवन एट नाइन टेन तो ये हम लोगों के पास आ गया ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी थर्ड पार्ट में आपने करना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ होल कॉम्प्लीमेंट कि सबसे पहले आपने ए कॉम्प्लीमेंट लिखना है फिर बी कॉम्प्लीमेंट लिखना है फिर दोनों का जो भी आंसर होगा उसका आपने होल कॉम्प्लीमेंट ले लेना है हम लोगों के पास ए कॉम्प्लीमेंट का तो आंसर है जो कि है ये अब हम लोगों ने फाइंड आउट करना है बी कॉम्प्लीमेंट तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है बी कॉम्प्लीमेंट कॉन्सिस ऑफ मेंबर्स इन एस के बी कॉम्प्लीमेंट में जो हमारे पास एस के मेंबर्स हैं विच आर नॉट इन बी दोनों में से जो हम लोग बी के जो एलिमेंट्स हैं उसको सब्ट्रैक्ट करके एस के एलिमेंट्स लिख देंगे ये हम लोगों ने लिख दिया एस के एलिमेंट्स और ये हम लोगों ने बी के एलिमेंट्स अब थ्री फोर फाइव इन दोनों में कॉमन है थ्री फोर फाइव को छोड़ के बाकी जितनी वैल्यूज बचेंगी वन टू सेवन एट नाइन टेन सिक्स सेवन एट नाइन टेन ये सारी वैल्यूज लिख देंगे तो ये बन जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर जो कि हमने यहाँ फ़ाइंड किया हुआ है हम लोग वो लिखेंगे और बी कॉम्प्लीमेंट का जो हमने ये फाइंड किया ये लिखेंगे इसका हम लोग ले लेंगे इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन लेने के बाद फिर हम लोग इसका लेंगे होल कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ले लेंगे जो वैल्यूज दोनों में कॉमन है जैसे कि वन कॉमन है दोनों में सिक्स है कॉमन सेवन है एट है नाइन है टेन है ये सारी वैल्यूज लिख देंगे अब हम इसका होल का कॉम्प्लीमेंट लेंगे हम लोगों ने फाइंड आउट करना है ए ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ होल कॉम्प्लीमेंट तो उसके लिए हम लोग यहां पर लिखेंगे द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कंसिस्ट ऑफ दोज एलिमेंट इन एस विच आर नॉट इन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बेसिकली जब हम लोग कॉम्प्लीमेंट लेते हैं इसका मतलब है कि जिस चीज में से हमने कॉम्प्लीमेंट लेना है सैंपल स्पेस की जैसा फॉर एग्जाम्पल ये एस की सैम्पल स्पेस है और ये है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की सारी वैल्यूज को छोड़कर बाकी जितनी भी वैल्यूज बचेंगी एस की दोनों में से जो कॉमन होंगे उनको छोड़कर बाकी जितनी वैल्यूज बचेंगी एस की हम लोग वो लिख देते हैं जैसा कि फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपको यहाँ पर समझाती हूँ जिस तरह वन दोनों में कॉमन है हम लोग नहीं लिखेंगे सिक्स दोनों में कॉमन है सेवन एट नाइन टेन ये सारी वैल्यूज को छोड़कर पीछे कितनी बची टू थ्री फोर फाइव सिर्फ हम लोग ये फोर वैल्यूज़ लिखेंगे ये होता है हम लोगों के पास कॉम्प्लीमेंट और ये हम लोगों के पास आंसर आ गया नेक्स्ट अब हम लोगों ने सॉल्व करना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी ऑफ हॉल कॉम्प्लीमेंट सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे जो कि है बी यूनियन सी सबसे पहले हम लोग सॉल्व कर लेंगे बी यूनियन सी हम लोग बी यूनियन सी निकाल लेने के बाद ले लेंगे ए इंटरसेक्शन सेक्शन बी यूनियन सी उसके बाद हम लोग इसका होल कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे यह है बी का सेट और यह है सी का सेट अब हम लोग इसको सीक्वेंस वाइज लिखेंगे यह आ जाएगा थ्री फोर फाइव दोनों में कॉमन है फाइव सिंगल टाइम सिक्स और सेवन अब हम लोगों ने लेना है इंटरसेक्शन ए के साथ तो ये हम लोगों के पास आ गया ए का सेट और ये है बी यूनियन सी का सेट जो हमने यहाँ से फाइंड आउट किया है अब हम लोग ले लेंगे इसका इंटर सेक्शन तो ये आ जाएगा इंटरसेक्शन में दोनों वैल्यूज़ कॉमन कौन सी हैं थ्री फोर दोनों में कॉमन है वो लिख देंगे अब हम लोगों ने लेना है इसका होल कॉम्प्लीमेंट तो ये हम लोगों ने लिख दिया एस की सैम्पल स्पेस माइनस करेंगे थ्री फोर में से इस थ्री फोर को छोड़ के बाकी जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी लिख लेंगे जो कि वन टू फाइव से लेकर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ये सारी वैल्यूज़ लिख लेंगे ये हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर सिक्स पॉइंट फोर भी कंप्लीट हो गया नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं सिक्स पॉइंट फाइव जिसमें हम लोगों के पास सबसे पहले है एस का सैंपल ए का सैंपल बी का सैंपल सी का सैंपल और डी का सैंपल अब सबसे पहले हम लोगों ने फाइन करना है ए यूनियन सी ये हम लोगों के पास है ए का सेट और ये सी का सेट हम लोगों ने जस्ट इसको सिक्वेंस करके ए यूनियन सी फाइंड आउट कर लेना है तो ये हम लोगों के पास आंसर आ गए ए यूनियन सी को सॉल्व करके नेक्स्ट अब हम लोगों को लेना है ए इंटरसेक्शन बी ये हम लोगों के पास है ए के सेट और ये है बी का सेट अब इन दोनों में से कौन सी वैल्यू कॉमन है हम लोगों ने वो लिख देनी है तो इनमें हम लोगों के पास कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है हारी तो हम लोग यहाँ लिख देंगे फाइव फाइ का मतलब है एम्प्टी सेट नल सेट या इसके अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है थर्ड में हम लोगों ने सॉल्व करना है सी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट में हम लोगों ने यहाँ क्या करना है सी कॉम्प्लीमेंट मीनस डार्ट दोज एलिमेंट इन एस विच आर नॉट इन सी ये है हम लोगों के पास एस का सैम्पल सेट और यह सी का अब टू थ्री फोर फाइव को छोड़कर हमारे पास एस के जितनी भी वैल्यूज़ हैं हम वो सारी लिख लेंगे जो कि है ज़ीरो वन सिक्स सेवन एट नाइन ये हम लोगों के पास सी कॉम्प्लीमेंट आ गया फोर्थ में है हम लोगों के पास सी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन डी यूनियन ऑफ बी सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे सी कॉम्प्लीमेंट इंटर सेक्शन डी सबसे पहले हम लोग ले लेंगे सी कॉम्प्लीमेंट जो कि है हम लोगों के पास ये हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया हम लोगों ने डायरेक्ट लिखा आंसर और इंटर सेक्शन ले लेंगे इंटर सेक्शन का मतलब है कि दोनों में कौन सी वैल्यूज़ कॉमन है वन सिक्स सेवन दोनों में कॉमन है हम लोगों ने लिख दिया उसके बाद हम लोग ले लेंगे यूनियन ऑफ बी हम लोग ले लेंगे यूनियन बी के साथ तो ये है वन सिक्स सेवन यूनियन लेंगे बी के साइड के साथ तो ये आ जाएगा वन थ्री फाइव Six, seven, nine. नेक्स्ट अब हम लोगों ने सॉल्व करना है फ़ाइव नंबर वाला जो कि है एस इंटरसेक्शन सी ऑफ होल कॉम्प्लीमेंट सबसे पहले हम लोग एस का सैम्पल स्पेस जो है उसका हम लोग इंटरसेक्शन ले, ले लेंगे सी के साथ कॉमन वैल्यूज़ है हम लोगों के पास टू थ्री फोर फ़ाइव अब हम लोग ले, ले लेंगे इसका होल कॉम्प्लीमेंट ये हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एस का ही सैम्पल सेट और ये हम लोगों ने लिख दिया एस इंटरसेक्शन सी का सेट जो कि है ये अब हम लोगों ने इसमें से टू थ्री फोर फाइव को छोड़ बाकी जितने भी सेट हैं एस के अंदर वो सारे लिख देंगे जो कि है जीरो वन सेवन सिक्स सेवन एट नाइन ये हम लोगों के पास एस इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया नेक्स्ट अब हम लोगों ने फाइंड आउट करना है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ऑफ डी कॉम्प्लीमेंट सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे डी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट के लिए हम लोगों ने यहाँ पर लिखा एस का सैम्पल सेट और यह लिखा डी का अब हम लोगों ने वन सिक्स सेवन को छोड़कर बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे लिख देंगे डी कॉम्प्लीमेंट के अंदर जो कि है वो जीरो टू थ्री फोर फाइव एट और नाइन उसके बाद हम लोगों ने फाइंड आउट करना है ए इंटरसेक्शन डी इंटरसेक्शन सी आप लोग इसको ब्रेक करके भी सॉल्व कर सकते हैं और एक साथ भी सॉल्व कर सकते हैं ब्रेक का मतलब है कि सबसे पहले आप लोग फाइंड आउट करें ए इंटरसेक्शन सी उसका जो आंसर आएगा उसके आंसर को आप डी कॉम्प्लीमेंट में से इंटरसेक्ट कर दें आप लोग इस तरह से भी कर सकते हैं या फिर आप लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं जैसे मैंने लिखा यह हम लोगों के पास ए के एलिमेंट्स सी के एलिमेंट्स और ये जो हमने डी के एलिमेंट्स यहाँ से फाइंड आउट किया वो लिखा अब सब में आपने देखना है कि सबसे ज़्यादा कॉमन एलिमेंट कौन सा है जीरो इन दोनों में कॉमन है लेकिन इसमें कॉमन नहीं है टू तीनों में कॉमन है वो लिख दिया थ्री देखना है थ्री इसमें और इसमें कॉमन है इसमें नहीं है फोर इन तीनों में कॉमन है वो लिख दिया फाइव इसमें और इसमें कॉमन है इसमें नहीं है वो एलिमेंट्स लिख रहे हैं जो तीनों में कॉमन है वो नहीं कि जो दो में हो या एक में हो जो दोनों में तीनों में कॉमन हो, वो लिखते हैं जैसा कि टू इन तीनों में कॉमन है फोर इन तीनों में कॉमन है बाकी और कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है तो इसका आंसर है टू कॉमा फोर यहाँ तक हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर सिक्स पॉइंट फाइव कम्प्लीट हो गया नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व कर दें क्वेश्चन नंबर सिक्स पॉइंट सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स पॉइंट सिक्स की हमारे पास यहाँ स्टेटमेंट है अ पेयर ऑफ डाइस इज रोल अ पेयर ऑफ डाइस का मतलब है कि दो डाइस हमारे पास रोल हुए हैं लेट्स द एलिमेंट्स ऑफ द सैंपल स्पेस एस सबसे पहले आपने लिस्ट कर देने हैं एस एस एलिमेंट सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स को लेट ए डिनोट नोट डेट इवन लेट ए डिनोट डेट इवन द सम इज लेस देन फाइव आपने ए के अंदर वो इवेंट्स लिखने हैं जो कि हैं सम करें तो हमारे पास फाइव से लेस लेस आए और बी के अंदर आपने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जिसके अंदर सिक्स आ रहा हो लिस्ट द लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग टू इवेंट ए एंड टू इवेंट बी आपने इवेंट ए और इवेंट बी के एलिमेंट्स लिख देना है अब मैं आपको इसका क्वेश्चन नंबर सिक्स पॉइंट सिक्स का पार्ट ए का सोल्यूशन करके दिखाती हूँ क्वेश्चन नंबर सिक्स पॉइंट सिक्स के पार्ट ए में सबसे पहले आपने टू डाइस को रोल किया है तो उसके ये सैम्पल्स स्पेस हैं जैसा कि मैंने आपको बनाना सिखाए हैं टोटल हैं थर्टी सिक्स उसके बाद ए में हम लोगों के पास वो इवेंट्स आ जाएंगे ए डिनोट्स दैट सम इज़ लेस देन फाइव कि हम सम करें तो हमारे पास फाइव से लेस लेस वाले इवेंट्स आए और बी के अंदर हमारे पास वो इवेंट्स आएंगे जिसके अंदर सिक्स आ रहा हो जैसा कि ए में हम लोगों ने सबसे पहले लिखना है वन प्लस वन होता है टू इसको हम लोग नहीं लिखेंगे वन प्लस वन होता है टू इसको हम लोग लिख लेंगे वन प्लस टू होता है थ्री इसको लिख लेंगे वन वन प्लस थ्री होता है फोर इसको लिख लेंगे वन प्लस फोर होता है फाइव इसको नहीं लिखेंगे उसके बाद है टू प्लस वन इज इक्वल टू थ्री इसको लिखेंगे टू कोमा टू टू प्लस टू इज इक्वल टू फोर इसको लिखेंगे टू कोमा टू प्लस थ्री होता है फाइव इसको नहीं लिखेंगे उसके बाद है थ्री कोमा वन इज़ इक्वल टू फोर इन सारे एलिमेंट्स को लिखेंगे उसके अलावा हमारे पास फाइव से लेस वाले और कोई नहीं आते बस ये हम लोगों के पास ए के एलिमेंट्स हैं बी के एलिमेंट्स में हमने वो लिखना है जिसके अंदर सिक्स आ रहा हो जैसा कि सबसे पहले हम लोगों के पास सिक्स वन कोमा सिक्स के साथ आ रहा है टू कोमा सिक्स थ्री कोमा सिक्स फोर कोमा सिक्स फाइव कोमा सिक्स और ये सारे एलिमेंट सिक्स के सिक्स कोमा वन से लेकर सिक्स कोमा सिक्स तक ये हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर सिक्स पॉइंट सिक्स का पार्ट ए का आंसर आ गया नेक्स्ट जब हम लोग सॉल्व करते हैं इसी का पार्ट बी पार्ट बी में आपने क्या करना है कि टू डाइस आर रोल आपने टू डाइस को रोल करना है लेट ए बी द इवन डैट द सम ऑफ डॉट्स ऑन द फेसेस शोन इन ऑर्ड एंड बी बी द इवन डैट देयर इज एट लीस्ट वन थ्री शोन डिस्क्राइब ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन बी ए माइनस बी एंड ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट तो चलिए अब हम लोग इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपने क्वेश्चन नंबर सिक्स पॉइंट सिक्स के पार्ट बी के सॉल्यूशन में लिख देना है लेट ए डिनोट्स दैट सम ऑफ डॉट्स के सम ए में हमारे पास वो इवेंट्स आएंगे जिसमें हम लोग सम करें तो हम लोगों के पास ऑड नंबर्स आएँ तो अब मैं आपको वो सेट्स दिखाती हूँ हम लोगों ने यूज़ यही वाला टू डाइस वाला सैम्पल्स स्पेस करना है लेकिन हम लोगों ने इसमें से ऑड वाले यूज़ कर लेना है ऑड वाले मतलब कि जिससे आप वन प्लस वन करें तो आंसर आता है टू और टू है हम लोगों के पास इवन नंबर नेक्स्ट है वन प्लस टू इज इक्वस टू थ्री थ्री आ जाएगा वन प्लस फोर वन कोमा फोर आ जाएगा वन कोमा सिक्स आ जाएगा इस तरह से टू कोमा वन क्योंकि टू प्लस वन करें तो आता है थ्री और थ्री है हम लोगों के पास ऑड नंबर्स इस तरह से सारे ऑड नंबर आप लोग ने लिख देने हैं ये आप लोगों के पास आ जाएगा ए के इवेंट्स जिसके अंदर सारे आपने वो इवेंट्स लिख दिए हैं जो कि अगर आप लोग ऐड करें तो आपके पास ऑड आंसर आता है नेक्स्ट आपने बी में वो इवेंट्स लिखने हैं जिसके अंदर थ्री आ रहा हो जैसा कि वन कोमा थ्री टू कोमा थ्री मैं आपको यहाँ पे से दिखा देती हूँ वन कोमा थ्री टू कोमा थ्री थ्री के ये सारे आ जाएंगे थ्री से थ्री वन थ्री कोमा टू थ्री कोमा थ्री थ्री कोमा फोर थ्री कोमा फाइव थ्री कोमा सिक्स फोर कोमा थ्री फाइव कोमा थ्री और सिक्स कोमा थ्री ये सारे इवेंट्स आप लोग लिख देंगे बी के अंदर उसके बाद हम लोगों ने फाइंड आउट करना है इसके फोर्थ पार्ट में कॉम्प्लीमेंट जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है तो सबसे पहले हम लोग उसके लिए ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट लिख निकाल लेते हैं आप लोग इसको बाद में भी निकाल सकते हैं और ज़रूरत हो तो आप पहले भी लिख सकते हैं अब आपने ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट में सबसे पहले हम लोगों ने फाइंड आउट करना है ए कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट में आपने जिस तरह के आपके पास ये एलिमेंट्स हैं और एस के सब सैम्पल स्पेस ये बनाए हुए हैं अब आपने ये देखना है कि कौन सा इवेंट इस ए में है आपने वो वो छोड़ के बाकी सारे एस के सैम्पल स्पेस लिख देने हैं जैसा कि हम लोगों के पास सैम्पल स्पेस में है वन कोमा टू दोनों में कॉमन है आप लोग ये नहीं लिखेंगे वन कोमा फोर ये सारे सैम्पल स्पेस छोड़ के बाकी जितने रिमेनिंग एस में बचेंगे आप लोग वो लिख देंगे और बी के इस सैम्पल स्पेस में जो जो कॉमन है एस के अंदर आप लोग उसको छोड़ के बाकी जितने भी एस के एलिमेंट्स बचेंगे आप लोग वो लिख देंगे अब सबसे पहले हम लोगों ने फाइंड आउट करना है ए यूनियन बी तो ए के इस सेट में और बी के इस सेट में आप लोग सबसे पहले अरेंज करके लिख देंगे जैसा आएगा सबसे पहले आपके पास वन कोमा टू वन कोमा थ्री उसके बाद आता है 1, 4, फिर आता है वन कोमा फोर फिर आता है वन कोमा सिक्स फिर आता है टू कोमा वन टू कोमा थ्री इस तरह से सारे अरेंज करके लिख देंगे आपके पास ए यूनियन बी आ जाएगा उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी में आप लोगों ने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो दोनों में कॉमन है तो सबसे पहले आप लोगों के पास दोनों में कॉमन है टू कोमा थ्री उसके बाद आप लोगों के पास दोनों में कॉमन है यहाँ पर थ्री कामा टू थ्री कामा फोर थ्री कोमा सिक्स फोर थ्री और है लास्ट में आप लोगों के पास सिक्स कोमा थ्री सिक्स थ्री दोनों में कॉमन है तो आपने ए इंटरसेक्शन बी में आपने वो सारे एलिमेंट्स लिख देने हैं नेक्स्ट आपने क्या करना है कि आप लोगों ने एलिमेंट्स लिखने हैं ए माइनस बी के कि ए में से हम लोगों ने जो एलिमेंट्स माइनस करना है वो बी के अंदर ना हो तो आप लो, आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों के पास जो बी के एलिमेंट्स हैं आप लोगों ने वो नहीं लिखने हैं जो दोनों में कॉमन है उसके अलावा बाकी जितने रिमेनिंग बचेंगे आपने वो लिख देने हैं जैसे कि वन कोमा थ्री आपने नहीं लिखना टू कोमा थ्री आपने नहीं लिखना बाकी बी के जितने एलिमेंट्स हैं उसको छोड़ के आपने जितने भी ए के बचेंगे वो सारे आपने लिख देने हैं उसके बाद है थर्ड फोर्थ में आप लोगों के पास ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट सबसे पहले आपने ए के सबसेट में से बी कॉम्प्लीमेंट जो हमने ऊपर फाइंड आउट किया है ये वाला आपने इसमें से कॉमन निकाल लेने हैं ये हैं आप लोगों के पास ए के सेट ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के सेट के उसमें से हम लोगों के पास जितने भी कॉमन एलिमेंट आ रहे थे हम लोगों ने वो लिख दिए अब नेक्स्ट में आपको दिखाती हूँ कि आप लोगों ने यूनियन करना है ए कॉम्प्लीमेंट के साथ उसमें आप लोगों ने सिक्वेंस करके सारे एलिमेंट्स को लिख देने हैं तो ये है आप लोगों के पास यहाँ से लेकर यहाँ तक ए इंटरसेक्शन सेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का सेट और यहाँ तक उसके बाद यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ए कॉम्प्लीमेंट का सेट यहाँ तक अब आपने जो भी एलिमेंट्स आप लोगों के पास हैं आपने उसको सीक्वेंस करके जैसे सबसे पहले आपके पास आता है वन कोमा वन सबसे पहले वो लिखेंगे फिर आता है वन कोमा टू वन कोमा थ्री वन कोमा फ़ोर वन कोमा फ़ाइव वन कोमा सिक्स सीक्वेंस करके जिसके बाद जो आता है आप लोगों ने वैसे ही इसको सीक्वेंस करके लिख देना है तो ये हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर सिक्स पॉइंट सिक्स भी यहाँ तक कंप्लीट हो गया है अब नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स पॉइंट सेवन जिसके पार्ट ए के स्टेटमेंट है इन्यूमरेट ऑल द पॉसिबल पार्ट वन में है कम्बिनेशन एंड पार्ट टू में परम्यूटेशन ऑफ थ्री लेटर्स चूजन फ्राम द फोर लेटर्स ए बी सी डी तो आप लोगों के पास फोर लेटर्स है ए बी सी डी जिसमें से आप लोगों ने थ्री लेटर्स को चूज कर लिया सबसे पहले आपने पार्ट वन में सॉल्व करना है कम्बिनेशन और सेकेंड पार्ट में आपने सॉल्व करना है परम्यूटेशन तो चले अब हम लोग सोलूशन स्टार्ट करते हैं फिर मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स पॉइंट सेवन के पार्ट वन के आपने फाइंड आउट करना है कम्बिनेशन और पार्ट टू में सॉल्व करना है परम्यूटेशन कम्बिनेशन के लिए आप लोग सबसे पहले लिखेंगे ए बी सी डी जो कि हैं फोर लेटर्स जिसमें से आपने थ्री लेटर्स कोई भी हैं वो रैंडमली है ए बी सी हो सकता है कोई भी हो सकता है आपने वो चूज़ कर लिया अब सबसे पहले हम लोगों ने फाइंड आउट करना है कम्बिनेशन तो उसके लिए आप लोग लिखेंगे फोर सी थ्री अगर आप लोग कैलकुलेटर पे फोर सी थ्री करेंगे तो आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा और अगर आपके पास कैलकुलेटर कभी कभी अवेलेबल नहीं होता तो आप लोग इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे जिस तरह से मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है आप लोग लिखेंगे फोर फैक्टोरियल डिवाइड बाई थ्री फैक्टोरियल एंड मल्टीप्लाई बाय फोर माइनस थ्री फैक्टोरियल फोर माइनस थ्री इक्वल्स टू वन वन फैक्टोरियल इक्वल होता है हमारे पास वन के तो आप लोग यहाँ लिखेंगे फोर फैक्टोरियल डिवाइड बाय थ्री फैक्टोरियल फोर फैक्टोरियल को आप लोग ओपन करेंगे जो कि फोर थ्री टू वन और थ्री फैक्टोरियल को ओपन करेंगे थ्री टू वन तो ये थ्री टू वन ये थ्री टू वन इससे कैंसिल आउट हो जाएगा पीछे बचा सिंपल हमारे पास फोर तो आप लोग यहाँ पर लिख देंगे फोर वेज और अगर आप लोग कैलकुलेटर पर फोर कम्बिनेशन थ्री फाइंड आउट करते हैं तो वहाँ पर भी आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा फोर सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने फाइंड आउट करना है परम्यूटेशन तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे फोर पी थ्री फोर पी थ्री आप लोग कैलकुलेटर पे भी डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं और इस तरह से जिस तरह से मैंने सॉल्व किया हुआ आप लोग इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं फोर सबसे पहले यहाँ पर आएगा फोर फैक्टोरियल डिवाइड बाई फोर माइनस थ्री फैक्टोरियल फोर माइनस थ्री फैक्टोरियल इक्वल होता है वन के तो आप लोग जस्ट यहाँ लिखेंगे फोर फैक्टोरियल जो कि है इक्वल फोर थ्री टू वन फोर थ्री टू वन को आप लोग मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा ट्वेंटी फोर वेज और अगर आप लोग कैलकुलेटर पे करते हैं तो कैलकुलेटर पे आप लोग सबसे पहले यहाँ प्रेस करेंगे फोर उसके बाद शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे और ये वाला जहाँ पर लिखा हुआ है एन पी आर ये वाला बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास परम्यूटेशन का पी आ जाएगा उसके बाद आप लोग थ्री प्रेस करेंगे तो आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा ट्वेंटी फोर आप लोग कैलकुलेटर के से भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं अब नेक्स्ट हम लोगों ने सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर सिक्स पॉइंट सेवन का पार्ट बी जिसकी हमारे पास स्टेटमेंट है अ क्लब कंसिस्टिंग ऑफ फिफ्टीन मेंबर्स एक क्लब है जिसके अंदर आपके पास फिफ्टीन मेंबर्स हैं इन हाउ मेनी वेज इन हाउ मेनी वेज़ जब आपके पास कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में आए तो इसका मतलब है कि आप लोगों ने फाइंड आउट करना है या कम्बिनेशन या परम्यूटेशन क्योंकि वेज़ का हम लोगों के पास आंसर आता है जो भी हम लोग फाइंड आउट करते हैं कम्बिनेशन और परम्यूटेशन में उसका आंसर हम लोगों के पास होता है वेज़ की फॉर्म में तो आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट में सॉल्व करना है द थ्री ऑफिसर्स प्रेजिडेंट वाइस प्रेजिडेंट एंड सेक्रेटरी ट्रेजर बी चूजन सबसे पहले तीन ऑफिसर्स हैं जिसमें से सबसे पहले हैं प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी ट्रेजर जिनको हमने सेलेक्ट कर लिया और सेकंड पार्ट में आप लोगों ने सॉल्व करना है कमेटी ऑफ थ्री मेंबर्स भी सिलेक्टेड एक कमेटी के हम लोगों ने थ्री मेंबर्स सिलेक्ट कर लिए हैं अब आप लोगों ने इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है और फिर आप लोगों ने ये ख़ुद से चूज़ करना है कि आप लोगों ने इसके अंदर कंबिनेशन अप्लाई करना है या परम्यूटेशन तो चलें अब हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं और फिर मैं आपको सिखाती हूँ कि कैसे हम लोग इसके अंदर परम्यूटेशन और कम्बिनेशन अप्लाई कर सकते हैं जब कम्बिनेशन और परम्यूटेशन का टॉपिक मैंने आप लोगों को पढ़ाया था तो एक मुझे कमेंट आया था जिसमें एक बंदे ने पूछा था कि हम लोगों को कैसे पता चले कि हम लोगों ने कम्बिनेशन अप्लाई करना या परम्यूटेशन तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर देती हूँ जब हम लोगों के पास ऑर्डर आता है तब हम लोग अप्लाई करते हैं परम्यूटेशन और जब हम लोगों के पास ऑर्डर नहीं होता तो हम लोग अप्लाई करते हैं कम्बिनेशन ऑर्डर का मतलब है जब हम लोगों को बता दिया जाता है कि वन पे ये है सेकेंड पे ये है और थर्ड पे ये है जब हम लोगों को ये चीज़ स्पेसिफाई ना हो कि कोई भी चीज आपने रेंडमली सिलेक्ट कर लिया तो इसका मतलब है कि आप लोगों ने अप्लाई करना है कंबिनेशन जब हम लोगों को ये बता दिया जाए कि ये ऑर्डर है इसके मुताबिक आप लोगों ने यूज़ करना है तो हम लोग वहाँ अप्लाई करेंगे परम्यूटेशन फॉर एग्जाम्पल जिस तरह यहाँ पर परम्यूटेशन अप्लाई हाँ हम लोग करेंगे पार्ट वन में बी के पार्ट वन में हम लोगों के पास फिफ्टीन मेंबर्स हैं क्लब के जिसमें से हम लोगों के पास थ्री ऑफिसर्स हैं थ्री ऑफिसर्स में उन्होंने हमें स्पेसिफाई कर दिया है कि फ़र्स्ट पे हैं हम लोगों के पास प्रेसिडेंट उसके बाद आप लोगों के पास है वाइस प्रेसिडेंट जिसको मैं वी स्लैश प्रेजिडेंट कर देती हूँ इसका मतलब है वाइस प्रेजिडेंट और थर्ड पर है आपके पास सेक्रेटरी ठीक है ये आप लोगों के पास आ गया सेकेंडरी इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया ठीक है अब ये आपके पास स्पेसिफाई हो गया कि फ़र्स्ट पे है प्रेजिडेंट सेकेंड पे है वाइस प्रेजिडेंट और थर्ड पे है आपके पास सेक्रेटरी ट्रेजरर ठीक है अब इसमें आपके पास सीक्वेंस है ऑर्डर है तो इसका मतलब है कि हम लोगों ने इसके अंदर अप्लाई करना है परम्यूटेशन थ्री मेबर थ्री ऑफिसर्स हैं फिफ्टीन पी थ्री करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा टू सेवन थ्री जीरो अगर आप लोग कैलकुलेटर पे करते हैं तो डायरेक्ट दे देगा अगर आप लोग खुद से सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा फिफ्टीन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय फिफ्टीन माइनस थ्री इज वल टू फिफ्टीन फैक्टोरियल डिवाइड बाई ट्थ फैक्टोरियल यह आपने फिफ्टी अपोजिट लिखना है फिफ्टीन फोटीन थर्टीन ट्वेल्व से लेकर वन तक और यहाँ पर लिखना है ट्वेल्थ से लेकर वन तक तो ये ट्वेल्व से लेकर वन तक जितने भी हैं ये कैंसिल आउट हो जाएंगे पीछे खाली बचेगा का फिफ्टीन फोर्टीन थर्टीन मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा टू सेवन थ्री जीरो वेज अब सेकेंड पे हम लोगों ने फाइंड आउट करना है क्या इन हाउ मेनी वेज़ के अकॉर्डिंग हम इन्होंने हमें कहा है कि सिर्फ थ्री कमेटी है अगर हमें ये स्पेसिफाई कर देते कि थ्री कमेटी में फॉर एग्जाम्पल है आपके पास नंबर वन पे ए नंबर सेकेंड पे बी और नंबर थर्ड पे सी तो हम यहाँ पर भी अप्लाई करते हैं परम्यूटेशन लेकिन इन्होंने हमें नहीं कहा हुआ कि कमेटी के कितने मेंबर्स इन्होंने सेलेक्ट किए हैं तो हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे कम्बिनेशन ये फ़र्क है दोनों के अंदर कि अगर आपको एक जगह पर ऑर्डर आ जाए या कोई नाम से बता दें या कोई भी कह दें कि सबसे पहला जिस तरह आपके पास स्कूल में होता है प्रिंसिपल उसके बाद वाइस प्रिंसिपल और फिर टीचर अगर ये हमें ये स्पेसिफाई कर दें इस तरह से कि फर्स्ट पे ये है सेकंड पे ये और थर्ड पे ये तो हम लोग उसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग परम्यूटेशन अप्लाई करेंगे और अगर हमें ना बताया गया हो तो हम लोग अप्लाई करेंगे कम्बीशन कम्बिनेशन के लिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे फिफ्टीन सी थ्री यहाँ पर हम लोगों के पास आ जाएगा फैक्टोरियल डिवाइड बाई थ्री फैक्टोरियल फिफ्टीन माइनस थ्री फैक्टोरियल फिफ्टीन फैक्टोरियल डिवाइड बाय थ्री फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय ट्वेल्व फैक्टोरियल फिफ्टीन के सारे फैक्टोरियल क्या वैल्यूज लिखेंगे थ्री के लिखेंगे और 12 की 12 की सारे आप लोग पीछे बचेगा फिफ्टीन फोर्टीन थर्टीन टू सेवन थ्री जीरो और थ्री टू वन को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे आंसर आएगा सिक्स टू सेवन थ्री जीरो को डिवाइड करेंगे आप सिक्स के साथ आपके पास आंसर आ जाएगा फोर फिफ्टी फाइव वेज आप लोग इस तरह से भी सॉल्व करके लिख सकते हैं या फिर आप लोग इस तरह से सॉल्व करके कैलकुलेटर पर डायरेक्ट लिख सकते हैं तो वो आपको डायरेक्ट आंसर दे, दे देगा फोर फिफ्टी फाइव वेज़ उसके बाद नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स पॉइंट एट क्वेश्चन नंबर सिक्स पॉइंट एट की हमारे पास स्टेटमेंट है हाउ मनी डिफरेंट ब्रिज हैंड्स कैन बी सेलेक्टेड फ्राम एट ऑर्डनरी डेस्क ऑफ़ फ़िफ्टी टू प्लेंग कार्ड्स आपके पास क्या डिफरेंट वेज होंगे कि आपके पास फ़िफ्टी टू प्लेइंग कार्ड्स हैं और आप लोगों ने ब्रिज हैंड कार्ड्स की प्रॉबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो चलें अब हम लोग इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं फिर मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे अब इन लोगों के कहने का मतलब ये है कि आपके पास टोटल कार्ड्स कितने होते हैं फिफ्टी टू प्लेइंग कार्ड्स टोटल कार्ड्स और हर कार्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है हम लोगों के पास थर्टीन हर कार्ड की प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि हर कार्ड हमारे पास कितने कितने होते हैं स्पेड कार्ड हमारे पास थर्टीन होते हैं मैं आपको यहाँ लिख भी देती हूँ एस फोर स्पेड सी फोर क्लब एच फोर हार्ट एंड डी फोर डायमंड हर कार्ड्स हमारे पास थर्टीन होते हैं अब इन्होंने कहा हुआ है कि आपने कोई भी रेंडमली कोई भी कार्ड्स आप लोगों ने आपके हाथ में आ गए हैं अब आप लोगों ने उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है अब इन्होंने नहीं हमें बताया कि अगर ये हमें स्पेसिफाई कर देते ना कि आप लोगों ने स्पेड के थर्टीन उठाने हैं क्लब के थर्टीन उठाने हैं हार्ट के थर्टीन उठाने हैं या डायमंड के तो हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं परम्यूटेशन लेकिन इन्होंने हमें नहीं कहा हुआ कि आप लोगों ने कौन से कार्ड पिक करने हैं तो हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे कम्बिनेशन टोटल कार्ड्स कितने हैं हम लोगों के पास कोई भी एक कोई भी एक रैंडमली आप सेलेक्ट कर ले फॉर एग्जांपल अगर हम हार्ड सेलेक्ट कर देते हैं तो वो है थर्टीन फिफ्टी टू कम्बिनेशन थर्टीन करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा मैं आपको कैलकुलेटर पे भी करके दिखा सकती हूँ फिफ्टी टू कम्बिनेशन थर्टीन जरा सॉल्व करना मुश्किल है यहाँ पर क्योंकि फिफ्टी टू बहुत बड़ी वैल्यू है तो आप लोग इसको कैलकुलेटर पर भी कर सकते हैं तो आपके पास आंसर आ जाएगा सिक्स पॉइंट थ्री सेवन जीरो मल्टीप्लाई टेन रेज टू बार इलेवन जब आप लोगों के पास टेन रेज टू बार माइनस कोई चीज़ कोई वैल्यू आए तो इसका मतलब है कि आप लोगों ने उस वैल्यू से पहले वो ज़ीरो अप्लाई करने हैं और जब आपके पास टेन की बार सिंपल इलेवन हो किसी कोई साइन ना हो नेगेटिव का तो इसका मतलब है कि ये इलेवन के जो जीरो के हैं आप ये बाद में अप्लाई करने आप लोग यहाँ अप्लाई भी कर सकते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन इस तरह से आप लोग ये पूरा लिख सकते हैं और जब आप ये पूरा अप्लाई करेंगे तो आंसर में जो ये पॉइंट है ये आप लोग नहीं लिखेंगे या फिर अगर आपने इसका आंसर कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग लिखना है तो आप लोग यहाँ पर लिखेंगे मैं आपको यहाँ लिखना भी सिखा देती हूँ सिक्स पॉइंट थ्री फाइव ज़ीरो टेन टू पार इलेवन या तो आप लोग इस तरह से लिखेंगे और जब आप लोग ज़ीरो अप्लाई करेंगे तो आप लोग पॉइंट नहीं लिखेंगे और अगर आप लोग इस तरह से लिखेंगे जिस तरह से कैलकुलेटर में लिखा हुआ है तो पॉइंट के बाद आप तीन चार वैल्यूज़ डिफाइन करके लिख के और उसके बाद टेन रेज टू बार, बार एलेवन कर देंगे और अगर आपके पास आए टेन रेज टू बार माइनस इलेवन तो इस माइनस इलेवन का मतलब है कि ये ज़ीरो जो आप लोगों ने यहाँ पर अप्लाई किया है ये वैल्यू से पहले आ जाएंगे यानी कि सिक्स से पहले आ जाएंगे आप लोग इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं ये है हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स पॉइंट नाइन की हमारे पास स्टेटमेंट है वी हैव एन इज इक्व टू टेन परसेंस हमारे पास टेन परसेंस हैं एंड वी विश टू डिवाइड डिम एट रेंडम हम लोग चाहते हैं कि हम लोग उसको थ्री रैंडमली डिवाइड कर दें ग्रुप्स में थ्री ग्रुप्स कंसिस्टिंग ऑफ फाइव एंड टू परसन रेस्पेक्टिव फाइव थ्री एंड टू परसन रेस्पेक्टिवली हाउ मेनी वेज इन दिस पॉसिबल हम लोगों के पास टेन पर्सन हैं जिसमें हम लोगों ने थ्री ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया एक को डिवाइड किया फाइव एक को डिवाइड किया थ्री और एक को डिवाइड किया टू फाइव प्लस थ्री प्लस टू इक्वल्स है हम लोगों के पास टेन के ही बस इन्होंने इसको डिवाइड कर देना है क्या पॉसिबल वेज होंगे कि हम लोगों के पास इसके अंदर क्या अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर इन लोगों ने हमें नहीं बताया हुआ कि कौन सा पर्सन कौन सा क्या है मतलब फ़ाइव पे जो पर्सन है उसके अंदर कौन कौन से बंदे हैं इन्होंने हमें नहीं स्पेसिफाई किया हुआ तो इसके अंदर भी हम अगेन अप्लाई करेंगे कंबिनेशन टोटल हैं हम लोगों के पास टेन पर्सन जिसमें से हम लोगों ने रैंडमली सेलेक्ट कर लिए हैं फाइव थ्री और टू ये फाइव थ्री और टू के अंदर इन्होंने हमें स्पेसिफाई नहीं किया हुआ कि इसके अंदर कौन कौन से बंदे उन्होंने सेलेक्ट किए फॉर एग्जांपल ए बी सी डी ई फाइव के अंदर आ रहा है ई एफ जी एच इसके अंदर आ रहा है आई जे एस के अंदर आया इन्होंने हमें ये स्पेसिफाई नहीं किया तो इसके अंदर हम लोग अप्लाई करेंगे कम्बिनेशन आप लोग यहाँ पर लिखेंगे टेन कम्बिनेशन फाइव थ्री टू तो आप लोग यहाँ पर लिखेंगे टेन फैक्टोरियल फाइव फैक्टोरियल थ्री फैक्टोरियल और टू फैक्टोरियल यहाँ पर आप टेन फैक्टोरियल के आंसर लिखेंगे टेन से लेकर वन तक और यहाँ पर फाइव के लिखेंगे थ्री के लिखेंगे टू के लिखेंगे फाइव से लेकर वन तक के आप लोग कैंसिल आउट कर देंगे पीछे बचा टेन नाइन एट सेवन सिक्स इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे आंसर आ जाएगा थ्री जीरो सेवन थ्री जीरो टू फोर जीरो थ्री टू को मल्टीप्लाई करवाएंगे आंसर आएगा सिक्स और टू के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे आंसर आ जाएगा सिक्स टू जै ट्व थ्री जीरो टू फोर जीरो को ट्वेल्व के साथ डिवाइड करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा टू फाइव टू जीरो वेज ये हम लोगों के पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर सिक्स पॉइंट नाइन को सॉल्व करने का कैलकुलेटर में तीन चीज़ों की प्रॉबिलिटी एक साथ ही निकल सकती है तो इसलिए मैंने आपको ये तरीका सिखाया हुआ कि आप लोगों के पास इस इसी तरह का केस हो सकता है कि आप लोगों के पास एक ही कॉम्बिनेशन के अंदर तीन वैल्यूज़ आ जाए तो आप लोग ये वाला अप्लाई करेंगे अगर आपको ये वाला मैथड आता होगा तो ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि कैलकुलेटर में तीन वैल्यूज़ के साथ नहीं आ सकता हम लोगों के पास तो इसलिए अब हम, हम लोगों के पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सिक्स पॉइंट नाइन का आंसर आ गया टू फाइव टू जीरो तो नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स पॉइंट टेन क्वेश्चन नंबर सिक्स पॉइंट टेन के पार्ट ए का जो है डेफिनेशन पार्ट उसकी वीडियोज़ की लिंक आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी हम लोग सॉल्व करते हैं पार्ट बी और पार्ट सी पार्ट बी में है हम लोगों के पास शो डैट अ सैम्पल स्पेस कंसिस्टिंग ऑफ फोर एलिमेंट्स हैज़ टू मल्टीप्लाई टू क्रॉस फोर ट इवेंट हम लोगों के पास सैम्पल स्पेस होने चाहिए जिसमें हम लोगों के पास फोर एलिमेंट्स हों और टू की पार फोर करके हम लोगों के पास जितने इवेंट्स आए हम लोग उसको लिख सकें तो चलिए अब हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं और पार्ट सी भी एम वी हम लोगों ने करना है प्रूफ दैट एन कम्बिनेशन जीरो से लेकर एन कम्बिनेशन एन जिसका इक्वल आए हम लोगों के पास आंसर टू की पार एन तक यूजिंग द फैक्ट डेट अ सैम्पल स्पेस विद एन हैज हैजू की पार एन सबसेट्स तो इन दोनों के सोल्यूशन अब मैं आपको करके दिखाती हूँ क्वेश्चन नंबर सिक्स पॉइंट टेन के पार्ट बी के सॉल्यूशन में हम लोगों के पास है फोर एलिमेंट्स जिसमें आप लोगों ने सपोज कर लेना है कि उन फोर एलिमेंट्स का नाम आप लोगों ने खुद से सपोज कर लेना है ए बी सी डी आप लोग कोई भी लिख सकते हैं बी सी डी ई भी लिख सकते हैं कोई भी जो भी आपका दिल करें आप वो फोर एलिमेंट्स लिख सकते हैं ए बी सी डी आप लोगों ने लिख दिया अब आप लोगों ने इनका बनाना है सबसेट्स टू की पार फोर आप लोग करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा सिक्सटीन जैसा कि मैंने यहाँ लिख भी दिया अब आप लोग जो भी इसके सब्सेट्स बनाएंगे टोटल आना चाहिए आप लोगों के पास सिक्सटीन आंसर सबसे पहले आप लोग लिखेंगे फाइव उसके बाद हर एक एक वैल्यू को लिखेंगे ए बी सी डी उसके बाद लिखेंगे ए बी ए सी ए डी फिर लिखेंगे बी सी बी डी सी डी इस तरह से फिर आप लिखेंगे ए बी सी ए बी डी फिर आप लोग लिखेंगे ए सी डी फिर आप लोग लिखेंगे बी सी डी और फिर लास्ट में आप लोग ये सारी वैल्यूज़ लिख देंगे ए बी सी डी टोटल हम लोगों के पास की वैल्यूज़ हो गई वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोटीन फिफ्टीन सिक्सटीन ये हम लोगों के पास टोटल सिक्सटीन ही सैम्पल स्पेस हम लोगों के पास आ गई है नेक्स्ट अब हम लोगों ने पार्ट सी में क्या सॉल्व करना है कि आप लोगों के पास है एन कम्बिनेशन जीरो से लेकर एन कम्बिनीशन एन तक के फैक्टोरियल्स और आप लोगों के पास टू की पार्ट एन में ये आंसर्स आने चाहिए चलिए अब हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपने एस के अंदर सैम्पल स्पेस लिख लिए है ए वन से लेकर ए एन तक ऑल पॉसिबल सेट्स विल कंसिस्ट ऑफ कि आप लोगों के पास इन सब के आने के चांसेस क्या हैं सबसे पहले हो सकता है कि आपके पास आए सिम एम सेट और सेकंड में हो सकता है कि सिंगल सिंगल सेट आए जिस तरह से हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कि फर्स्ट में लिखते हैं एम सेट फिर सिंगल सिंगल सेट फिर डबल डबल सेट और फिर ट्रिपल ट्रिपल और फोर्थ फोर्थ सेट इस तरह से हम लोगों के पास यहाँ पर यही चांस है कि सबसे पहले हम लोगों के पास आए एम सेट फिर हर सेट सिंगल सिंगल फिर हर सेट आए डबल डबल फिर हर सेट आए थ्री थ्री एंड सो ऑन टू एन उसके बाद हम लोगों के पास है एन प्लस वन द नंबर ऑफ सब सेट्स विद ऑल एन एलिमेंट्स इज गिवन बाय एन कम्बिनीशन एन कि आप लोग इसको लेकर जाएंगे एन कम्बिनीशन एन तक की फॉर्म तक सबसे तो पहले आप लोग लिखेंगे एन कम्बिनीशन जीरो जिसमें आप लोगों के पास आ जाएगा फाइव एलिमेंट फिर आ जाएगा एन कम्बिनेशन वन आप इस एन के अंदर सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे जीरो से लेकर एन तक तो ये आप लोगों के पास आ जाएगा प्लस ऑन टू एन कम्बिनेशन एन अब नेक्स्ट हम लोगों ने सॉल्व करना है टू की पार एन तक की फॉर्म के लिए टू की पार एन हम लोगों के पास कैसे बनती है कि हम लोगों के पास वन प्लस वन हो तो वह टू की पार एन बनती है हम लोग यही सारे एलिमेंट्स लिख देंगे सबसे पहले लिखेंगे एन कम्बिनेशन जीरो जब हम लोग एन कम्बिनेशन ज़ीरो लिखेंगे तो हम लोगों के पास जो वन है उसकी पार भी आप लोग लिखेंगे एन माइनस ज़ीरो प्लस और एन वन की पार ज़ीरो वन की पार जीरो होता है आप लोगों के पास वन प्लस एन कम्बिनेशन वन एन की पार एन माइनस वन और एन की पार वन की पार वन वन की पार वन वन होता है एन कम्बिनेशन टू वन की पार एन माइनस टू जो कम्बिनेशन में अप्लाई करेंगे वही पार में अप्लाई करेंगे और वन की पार टू प्लस ऑन टू एन की पार एन कम्बिनेशन एन मल्टीप्लाई बाय वन एन माइनस एन और वन की पार एन तो ये एन माइनस एन हो जाएगा ज़ीरो नेक्स्ट हम लोगों के पास एन की पार एन का आंसर आ गया एन कम्बिनेशन जीरो प्लस एन कम्बिनेशन वन प्लस एन कम्बिनेशन टू प्लस वन टू एन कम्बिनेशन एन ये हम लोगों के पास यहाँ तक इसका आंसर प्रूव हो गया नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स पॉइंट ट्वेल्व नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स पॉइंट ट्वेल्व जिसके पार्ट ए की स्टेटमेंट है एक्सप्लेन व्हाट इज रॉन्ग विद ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आपने एक्सप्लेन करना है कि क्या गलत है इन स्टेटमेंट के अंदर एन पार्ट ए में है एन एन इन्वेस्टमेंट Conseller claims that the probability that the stock price will get up is 0 0.60 remains unchanged is 0 0.38 or go to down is 0 0.25. Part B: hai, If two coins are tossed, there are three possible outcomes: two heads, one head and one tail, and two tail. Hence, probability of each of these outcome is one by three. The probability that a certain truck drivers would be नो वन एंड टू और मोर एक्सीडेंट ड्यूरिंग द ईयर आर जीरो पॉइंट नाइन जीरो जीरो पॉइंट जीरो टू एंड जीरो पॉइंट जीरो नाइन प्रॉबलिटी ऑफ़ ए इज इक्वल टू टू बाई थ्री प्रॉबिलिटी ऑफ बी इज़ इक्वल टू वन बाई फोर एंड प्रॉबलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू वन बाई सिक्स फॉर द प्रॉबिलिटी ऑफ थ्री मोस्टली एक्सक्लूसिव इगेंट्स ए बी एंड सी तो चलिए अब हम लोग इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे सबसे पहले आप लोगों ने लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू जो कि जीरो पॉइंट सिक्स जीरो प्रॉबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू जो कि जीरो पॉइंट थ्री एट और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी की वैल्यू जो है ज़ीरो पॉइंट टू फाइव आपने सबसे पहले इन सब वैल्यूज़ को ऐड कर देना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा वन पॉइंट टू थ्री जो कि बड़ा है वन से और प्रॉबलिटी कभी भी हम लोगों के पास जीरो से छोटी और वन से बड़ी नहीं आनी चाहिए अब ये हम लोगों के पास आ रही है वन से बड़ी तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोगों के पास रॉन्ग एंडस द इन्वेस्टमेंट कंसलर्ट क्लेम इज़ रॉन्ग कि हम लोगों के पास जो कंसेलर क्लेम है वो इन्वेस्टमेंट का रॉन्ग हुआ है क्योंकि इसका आंसर आ रहा है वन से बड़ा पार्ट बी में आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों के पास सैम्पल स्पेस है टू कॉइंस को टॉस करने की जो क्या हैड हेड हेड टेल टेल हेड और टेल टेल सबसे पहले आप लोगों के पास प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड की कितने आउटकम्स होंगे अगर आप लोग इस हेड हेड को सेलेक्ट करते हैं टोटल हैं आउटकम्स फोर वन बाई फोर आ जाएगा अगर आप लोग एक हेड और एक टेल को सेलेक्ट करते हैं तो आप यहाँ पर हम लोगों के पास है ये एक हेड और एक टेल को सेलेक्ट करने की वन बाय फोर और ये वन बाय फोर वन बाय फोर वन बाय फोर मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ वन बाय फोर प्लस वन बाय फोर आप लोग करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास टू बाई फोर जिसको कटिंग करके आपके पास आंसर आ जाएगा टू वन जार टू 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 ज़ार फोर तो यहाँ पर हमने वो लिख दिया उसके बाद प्रॉब्लिटी ऑफ टी टी का आंसर है वन बाई फोर अगर आप लोग टी टी सेलेक्ट करते हैं तो उसका आंसर है वन बाय थ्री अब इन्होंने हमें कहा हुआ है कि आप लोगों के पास आंसर आना चाहिए वन बाई थ्री जबकि हम लोगों के पास आंसर आ रहा है डिफरेंट डिफरेंट तो ये है हम लोगों के पास स्टेटमेंट रॉन्ग क्वेश्चन नंबर सी के सॉल्यूशन में आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों के पास तीन वैल्यूज़ हैं आप लोगों ने इन वैल्यूज़ की ऐड कर लेना यानी कि सम कर लेना और आपके पास आंसर आना चाहिए वन सम ऑफ गिवन प्रोबेबिलिटीज इज इक्वस टू वन आप लोग इन सब वैल्यूज को ऐड करें आपके पास आंसर आए वन अब हमने इन तीन वैल्यूज़ को ऐड किया हमारे पास आंसर आ गया वन जो कि बड़ा हो रहा है वन से तो हम लोगों ने यहाँ लिख दिया स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग अब लास्ट और पार्ट डी में आप लोगों ने यहाँ क्या करना है कि आप लोगों के पास पार्ट ए की प्रॉबलिटी है टू बाई पार्ट बी की प्रोबेबिलिटी है वन बाय फोर और पार्ट सी की प्रोबेबिलिटी है वन बाय सिक्स अब हम लोगों ने यहाँ पर लिखना है हैंड्स मोस्टली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हम लोगों ने फाइंड आउट करना है मोस्टली एक्सक्लूसिव इवेंट तो यहाँ पर आप लोग प्रोबेबिलिटी लिखेंगे ए की प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे सी की प्रोबेबिलिटी अब आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का आंसर हम लोगों के पास टू बाय थ्री ही रहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का आंसर निकालना है तो आप लोग इस वन बाय थ्री के साथ थ्री बाई टू को मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हम लोगों के पास आंसर आ जाएगा वन बाय फोर अब नेक्स्ट में हम लोगों ने सॉल्व करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ सी तो ये आप लोग लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का आंसर जो कि वन बाई फोर और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी और यहाँ पर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ सी का आंसर जो कि वन बाई सिक्स वन बाय सिक्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे फोर बाय वन के साथ यहाँ जाकर ये यह ऑपोजिट हो जाएगा तो ये आंसर आ जाएगा फोर बाय सिक्स जो कि कटिंग करेंगे टू टू जैर फोर और टू 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 थ्री जैर सिक्स टू बाई थ्री आ गया अब आप लोग इन सब वैल्यूज को भी एड करेंगे जो जो आंसर्स आए हैं प्रॉबिलिटी ऑफ ए का हम लोगों के पास आंसर है वन बाई सिक्स प्रॉबलिटी ऑफ बी का आंसर है हम लोगों के पास वन बाय फोर और प्रॉबलिटी ऑफ सी का आंसर है टू बाय थ्री वन बाय सिक्स वन बाय फोर और टू बाय थ्री को आप लोग यहाँ पर लिखेंगे नीचे आ जाएगा आपके पास आंसर ट्वेल्व अब सिक्स के टेबल में ट्वेल्व आते हैं टू पे फोर के टेबल में ट्वेल्व आते हैं थ्री पे थ्री के टेबल में ट्वेल्व आते हैं फोर पे टू वन जर टू थ्री वन जार थ्री और फोर टू जार एट थ्री फोर और एट को आप लोग ऐड करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा थर्टीन बाई ट्वेल्व और यहाँ तक हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर सिक्स पॉइंट ट्वेल्व कम्प्लीट हो गया है और आज की वीडियो भी हमारी यहीं तक कम्प्लीट गई अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें शेयर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को